सो वेलकम बैक गाइस, क्या हाल चाल है आपके। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना HTML की, जो कि आई बटन पर हैगी। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना हटा देते हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अपना टाइटल, पहले जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं अपना टाइटल, तो चलो यार चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे और बॉडी के अंदर चलते हैं पहले, फिर मैं आपको इसकी HTML करके दिखाऊंगा। और मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ H1, और जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अब ये H1 के अंदर मैं आईडी दे रहा हूँ हेडर की, आईडी दे रहा हूँ मैं किसकी, हेडर की। तो यहाँ लिख दूंगा मैं माई हेडर। अब मैंने माई हेडर लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा माई, आप कुछ भी लिख सकते हो, माई सिटीज़ लिख देता हूँ। तो मैंने माई सिटीज़ लिख दिया है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो स्टाइल कैसे देंगे हम इसके, इसके अंदर हम स्टाइल लिखेंगे पहले। अब स्टाइल के अंदर लिखने से पहले मैं कंट्रोल एस करके गो लाइव कर देता हूँ। अगर आपको गो लाइव का नहीं पता तो जाके प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, वहाँ मैंने बता रखा है वीडियो में। तो यह माई सिटी लिखा आ गया, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो अब हमें स्टाइल देना है इसे। और हाँ मैं बता दूँ आपको कि जो कि आईडी है उसमें हम हैश का यूज़ करेंगे। तो अभी डिफरेंस जो मैं क्लास और आईडी का बता रहा हूँ ना, तो वो यही मेन डिफरेंस है और इसी की पूरी वीडियो है आज। तो यहाँ पे लिख दूँगा माई हेडर, और उसके बाद आगे हम माई हेडर के अंदर हम दे रहे होंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ एक्वा, और आगे मैं दे देता हूँ इसमें कलर ब्लैक। कलर ब्लैक दे देता हूँ। कलर ब्लैक देने के बाद मैं दे रहा हूँ इसके अंदर पैडिंग, और पैडिंग दे देता हूँ मैं इसकी 40px। और उसके बाद मैं दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट में सेंटर कर देता हूँ, सेंटर कर दिया मैंने, और कंट्रोल एस कर दिया। अब जाके मैं चेकआउट करके आता हूँ। और तो ये देखो यहाँ पे देखो माई सिटीज़ लिखा आ गया, और वहाँ मेरा आईडी के अंदर हैश लगा के मैंने यूज़ कर लिया है। अब तो यार मैं आपको हेडर का मैंने बता दिया है, और यहाँ पे हैश लगाना है आपको आईडी का, हो गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम अब क्लास की बात कर रहे होंगे, तो आगे मैं जो इसी में लिख लेता हूँ। अब मैं आगे एक और अपना H1 बना लूँगा इस बार, और इस बार मैं H2 बना लेता हूँ। H2 में दे दूंगा इस बार मैं क्लास। तो क्लास देने के बाद मैं क्लास के अंदर लिख रहा हूँ सिटी, और इसे बंद कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं इसके अंदर लिख दूंगा लंदन। ठीक है, तो गाइस अब मैंने यहाँ लंदन लिख दिया। अब उसके बाद मैं स्टाइल के अंदर जाना, और इस बार मैं हैश का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये मेन नोट करना बात। तो इसमें हम यूज़ कर रहे होंगे इस बार सिटी का, मतलब सिटी का क्या डॉट का यूज़ कर रहे होंगे। तो डॉट सिटी लिख देना है मेरे को, और उसके बाद ये देखो यहाँ CSS लग जाएगी आराम से अब, तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बैकग्राउंड कलर लिख दूंगा मैं इस बार, और बैकग्राउंड कलर डाल दूंगा मैं अपना ब्राउन डाल दूंगा। एंटर करके कंट्रोल एस कर दूंगा, पहले चेकआउट करके आऊँगा क्या चल रहा है। देखो अभी चल रहा है, देखो देखो एकदम सही है, हम सही जा रहे हैं। और उसके बाद हम लिख देंगे कलर वाइट। कलर कर देता हूँ मैं वाइट, एंड देन आगे जाके मैं लिख देता हूँ इसकी पैडिंग दे देता हूँ मैं इसमें पैडिंग 10px। कंट्रोल सेव कर दूंगा, और उसके बाद अब देखो यार ये कितना सही लग रहा है। और ये हमारा आ गया है लंदन। और मैं यहाँ कुछ और भी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ मैं नीचे जाके। तो ये मैंने जो मेन जो फोकस था ना आज का वीडियो का, यही था कि आईडी और क्लास का जो डिफरेंस है वो क्या क्या है। तो जो हम आईडी जो हम यूज़ करते हैं ना आईडी, वो हम लगाएंगे हैश में जब हम CSS का यूज़ कर रहे होंगे लगाने के बाद। तो आईडी ध्यान रखना कि आईडी जो है वो हैश से आएगी, और जो क्लास है वो डॉट से आएगी। तो इसको ध्यान रख लो, मेन गांठ बांध लो, कहीं दिक्कत दिक्कत मत करना आगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कैसी लगी वीडियो, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही डालो। सो सब्सक्राइबर पूरे करा दो यार जल्दी से। तो चलो यार मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और प्लेलिस्ट जाके एक्सेस कर लो भाई, प्लेलिस्ट कर लो एक्सेस, CSS स्टार्ट होने वाली है जल्दी से, जाके उसे एक्सेस कर लो प्लेलिस्ट को।